जनपद उधम सिंह नगर खटीमा शहर के नामी मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर खाक हुआ। आपको बता दें बीती रात करीब 1 बजे पीलीभीत रोड स्थित हनुमान मंदिर के सामने क्वालिटी स्वीट्स में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर अग्निशमन की गाड़ियां पुलिस मौके पर पहुंच गई। आग इतनी तेज थी कि तीसरी मंजिल तक आग ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। अग्निशमन की गाड़ियों ने बमुश्किल करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकान में रखे गैस सिलेंडर लगातार फट रहे थे, जिससे आसपास के लोगों में भय और दहशत का माहौल बन गया। आनन फानन में क्रेन लगाकर दीवार को तोड़ने का भी प्रयास किया गया, जिससे आग पर काबू पाया जा सके और कोई हादसा ना हो। इस मामले में अग्निशमन विभाग के अधिकारी का कहना है आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पूरा रेस्टोरेंट जलकर स्वाहा हो गया। सड़क पर लोगों की काफी भीड़ जमा हुई। साथ ही अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया रेस्टोरेंट स्वामी का कहना है करीब 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जैसे हम घटनास्थल पर गए हमने देखा कि आग बहुत विकराल मची। एक गाड़ी हमारे फायर स्टेशन से रवाना हुई थी, आग ज्यादा होने के कारण जैसे बन बसा से एक टनकपुर और दो गाड़ी सितारगंज से जाएगी। मान लग तो जैसा ज्ञात हुआ कि शॉर्ट सर्किट से ही लगेगी जहाँ तक ख्याल है, तो बाद में आगे जांच करी जाएगी तो पता चलेगा। मालिक से बात हुई तो कह रहे 80 से 90 लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है। आप तो हम देखेंगे बाद में अभी जानकारी लेंगे फिर पता चलेगा। अभी नोटिस के बाद भी अग्नि सबको नोटिस दे रखा है, मनुष्य में ले रखे और अग्नि की गलती है, नोटिस हमने सबको जारी कर रखा है। इसमें परिवार तो देखना पड़ेगा।